सर, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया के दौरान मरीज को कैसे कैसे आना पड़ता है और आपका सफलता का दर अपेक्षाकृत अधिक क्यों है? ओके, सबसे पहला प्रश्न तो ये कि जो पेशेंट है वो आईवीएफ यदि कराने आता है तो पहले कैसे आए, फिर कैसे आईवीएफ होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आइडियल फर्टिलिटी में मेरे यहाँ पर, चूंकि मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट और मेरी वाइफ डॉक्टर रिंकू बैनर्जी एज एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, हम इन हाउस हैं, तो हम रोज आईवीएफ करते हैं। तो हमारे लिए हर पेशेंट इम्पोर्टेंट है और हर के लिए एक अलग प्रोटोकॉल फिक्स होता है। हम कभी भीड़ में या इकट्ठे लेके नहीं करते, ताकि ये ना हो कि किसी पेशेंट को जो चीज़ ज़रूरत ना हो वो मिले, नंबर वन। नंबर टू, जो पेशेंट हमारे पास आएगा वो पहला जो विजिट देता है, उस विजिट में एक उसका टीबीएस, उसका एक अल्ट्रासाउंड, उसका बेसिक ब्लड टेस्ट होता है। ये कभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि उसको 21st डे ही आना पड़ेगा या किसी विशेष दिन आना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। उस अल्ट्रासाउंड में ये समझ में आ जाता है कि उसका यूट्रस कैसा है, उसका अंडाशय कैसा है, उसके हस्बैंड के स्पर्म कैसे हैं। हमको ये तीन चीज़ों से बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यदि अच्छी यदि बच्चा चाहिए तो बीज और जमीन, एग, स्पर्म और यूट्रस, ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। मेरा टेस्टिंग करने का प्रधान जो लक्ष्य रहता है वो ये रहता है। दूसरी बात, हर पेशेंट के अंडों की क्वालिटी और उसकी गुणवत्ता के हिसाब से उसको दवाई फिक्स होती है। आप